अगर आप भी इस थंबनेल को देख के इस वीडियो पे क्लिक किए हो तो आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस थंबनेल को HD क्वालिटी में अपने फोन की मदद से बना सकते हो। एंड गाइस, आपको जितने भी थंबनेल स्क्रीन पे शो हो रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सबको बना सकते हो अपने फोन की मदद से। एंड गाइस, मैं आप सभी कुछ स्पेशल टिप्स भी शेयर करने वाला हूँ जिसको यूज करके आप अपना थंबनेल बहुत ही प्रोफेशनल बना सकते हो। एंड गाइस, जो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ ये सब पिक्सेल लैब एप्लीकेशन से बताने वाला हूँ। पिक्सेल लैब एप्लीकेशन का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे मैं आज को अपने फोन के स्क्रीन पे एंड आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप HD क्वालिटी में थंबनेल बना सकते हैं। सो सबसे पहले आप सभी को पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस, जो आपको ये वाला टैग दिख रहा है आपको इसको रिमूव करने के लिए आपको इस साइड क्लिक करना है एंड आपको ओके पे क्लिक कर देना है। सो ये टेस्ट रिमूव हो चुका है। हो जाने के बाद गाइस आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक कर देने के बाद आपको इमेज साइज पे क्लिक करना है। इमेज साइज पे क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे कस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आपको यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। सो ये 60:9 का हो चुका है एंड आपको जस्ट ओके पे क्लिक कर देना है। कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस आपको यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, कलर और ग्रेडिनेट का। सो यहाँ पे आप ग्रेडिनेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको कलर से बता देता हूँ और आपको यहाँ पे प्लस का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप यहाँ से एक्स्ट्रा कलर भी बना सकते हो। तो गाइस, मैं यहाँ पे आपको कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं यहाँ से एक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। कर लेने के बाद आपको यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कर देने के बाद आपको कुछ ऐसे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस करना क्या है, आपको यहाँ पे इस वाले बटन पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद गाइस जो आपकी गैलरी होगी वो ओपन हो जाएगी एंड आप यहाँ से कोई एक इमेज सिलेक्ट कर। मैंने यहाँ पे ये वाला फोटो सिलेक्ट कर लिया। कर लेने के बाद आपको राइट वाला बटन पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इमेज सिलेक्ट हो चुका है एंड आप यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हो एंड आपको यहाँ पे ये वाला बटन मिलता है, आप इसे रोटेट कर सकते हो। एंड गाइस, मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप कोई और अपना इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक फोन का स्क्रीन यूज की है सो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया। कर लेने के बाद इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है एंड आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। सो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। सो गाइस, मैंने यहाँ पे ये एडजस्ट कर लिया। कर लेने के बाद करना क्या है, आपको इस साइड आना है एंड आपको यहाँ पे स्टॉक का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हो। एंड गाइस, यहाँ पे रोटेट ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से भी रोटेट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ। एंड कर लेने के बाद आपको यहाँ पर 3D रोटेट का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप इसको भी यूज कर सकते हो एंड मैं यहाँ से यूज कर लेता हूँ। कर लेने के बाद आपको यहाँ पे 3D स्वाइप का ऑप्शन भी मिल जाता है एंड आपको ये भी मिल जाता है, आप इसको भी कर सकते हो यूज। एंड गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे आपको शैडो का ऑप्शन भी मिलता है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे एंड इसको आप इनेबल कर देना। कर देने के बाद यहाँ से अपने हिसाब से इसको ब्लर कर देना। सो गाइस, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एंड कर लेने के बाद आपको राइट वाले पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए एंड गाइस आपको यहाँ पे इनर शैडो का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको इनेबल कर सकते हो। सो गाइस, मैं यहाँ पे फिलहाल डिसेबल कर देता हूँ। कर लेने के बाद आपको राइट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। एंड गाइस, क्लिक कर देने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड अपने हिसाब से इसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप कर देने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा कर लेना है। कर लेने के बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड आपको इसको लॉक कर देना है। सो गाइस, मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया जिससे ये हिलेगा नहीं इमेज। एंड गाइस, आपको करना क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप में इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है। इंपोर्ट पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपकी जो स्क्रीनशॉट दिख रही होगी एंड आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जो इमेज लगाना है। लगा लेने के बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिलेक्ट हो चुका है। सो गाइस, आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसको ऐसे रोटेट कर देना एंड कर लेने के बाद यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हो। सो गाइस, कर लेने के बाद आपको ऐसा कर लेना है एंड यहाँ से आपको करना क्या है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देखो ये इसके फोन के स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। सो इसको नीचे दिखाने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना है एंड आपको इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे ला देना है फोन स्क्रीन के नीचे। अब आप देखो फोन के स्क्रीन के नीचे दिख रहा है। सो अब इसको आपको थोड़ा सा छोटा कर देना है एंड कर देने के बाद यहाँ से ऐसे रोटेट करना है एंड यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। सो गाइस, मैंने यहाँ पे स्क्रीन सेट कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप अच्छे से सेट कर लेना। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ एंड कर लेने के बाद करना क्या है, आपको इसको भी लॉक कर देना है एंड आप यहाँ पे इसको भी एडिट कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ से आप इसको स्ट्रोक लगा सकते हो एंड यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, शैडो भी लगा सकते हो इसके ऊपर। एंड अब आपको करना क्या है, आपको इसको लॉक कर देना है। सो मैं यहाँ पर लॉक कर देता हूँ।
एंड गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो ये लॉक हो चुका है एंड आप इसको मर्ज कर देना है। एंड मर्ज करने के लिए करना क्या है कि जो इमेज दोनों हो वो साथ साथ रहे, तो उसके लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड क्लिक कर देने के बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड आपको दोनों को सिलेक्ट करना है एंड आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड ओके पे क्लिक कर देना है। सो ये दोनों मर्ज हो चुके हैं एंड अब आप इसको जहाँ पे क्लिक करोगे वो ऐसा हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों साथ साथ है एंड ऐसे काफी अच्छा रह जाता है। एंड गाइस जब आपको टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे टेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है एंड आपको ये वाला टेक्स्ट आ जाएगा। एंड आ जाने के बाद करना क्या है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड आप जो थंबनेल में लिखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल कोई आप थंबनेल बनाना सिखा रहे हो तो आप थंबनेल बनाने के बारे में लिख सकते हो। एंड गाइस आपको यहाँ पे लॉन्ग नहीं लिखना है, आपको शॉर्ट में लिखना है एंड कुछ ऐसा लिखना है कि जिससे ऑडियंस आपके थंबनेल को देख के क्लिक कर दे। सो गाइस मैं इस थंबनेल पे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ कि थंबनेल बनाने का ये गलत तरीका। सो गाइस मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा थंबनेल, तो मैं यहाँ पे थंबनेल लिख दिया। एंड क्लिक देने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये आ चुका है एंड आप यहाँ से बड़ा और छोटा कर सकते हो अपने हिसाब से कर लेना। एंड यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ एंड कर लेने के बाद आपको यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे येलो कलर या आप कोई और कलर सिलेक्ट कर सकते हो। सो गाइस मैं यहाँ पे येलो कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद आपको राइट वाला बटन पे क्लिक कर देना है। सो गाइस क्लिक कर देने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। हो जाने के बाद गाइस आपको इधर आना है एंड आपको पे ए बी वाले स्टाइल का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप इसके ऊपर क्लिक करके भेज सकते हो। एंड गाइस क्लिक कर देने के बाद आपको राइट वाला बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको स्ट्रोक के बटन पे जाना है एंड आपको इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा एंड हो जाने के बाद गाइस आपको करना क्या, आपको यहाँ पे स्ट्रोक बढ़ा देना है और यहाँ पे कम भी कर सकते हो। कर लेने के बाद आपको राइट वाला बटन पे क्लिक कर देना है एंड आपको शैडो वाला बटन पे आना है एंड आपको इसको इनेबल कर लेना है। कर लेने के बाद आप देख सकते हो इसके पीछे बैकग्राउंड में यहाँ पे आ चुका है एंड आपको इसको ब्लर एडियस भी बढ़ा सकते हो। सो गाइस मैं यहाँ से थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। करने के बाद आपको राइट वाला बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको इनर शैडो का बटन भी मिल जाता है, आप यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हो। एंड गाइस यहाँ पे हो जाने के बाद आप यहाँ पे 3D टेक्स्ट और 3D राइटर भी लगा सकते हो। तो गाइस आपको इसको लॉक करना है, तो लॉक करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड आपको इसको लॉक कर देना है। सो गाइस मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया। लॉक कर देने के बाद गाइस आपको करना क्या है, आपको इसके ऊपर न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे न्यू टेक्स्ट आ जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे एडिट वाला बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे न्यू टेक्स्ट दिख रहा है, आपको इसको रिमूव कर देना है। कर देने के बाद अब आपको हिंदी में लिखना है बनाने का, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइस मैंने यहाँ पे लिख दिया बनाने का ये। तो गाइस मैंने यहाँ पे लिख देने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये टेक्स्ट आ चुका है एंड आपको यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हो। सो गाइस मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। कर लेने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये बड़ा हो गया एंड गाइस यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। कर लेने के बाद गाइस करना क्या, आपको यहाँ से थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। एंड कर लेने के बाद यहाँ पे आपको इसको कलर वाला पर जाना है एंड मैं यहाँ पे कलर नीला ऐड करता हूँ एंड आप यहाँ पे कलर भी ऐड कर सकते हो। सो गाइस आपको आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जाना है एंड यहाँ पे आपको शैडो पर चला जाना है एंड शैडो पर चला जाने के बाद आप थोड़ा सा इसको शैडो भी दे सकते हो। सो गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा सा शैडो दे देता हूँ एंड यहाँ से मैं थोड़ा ब्लर रेडियस भी बढ़ा देता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे मैं यहाँ से थोड़ा सा जाता हूँ एंड यहाँ पे 3D रोटेट भी मिल जाता है ऑप्शन, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एंड गाइस आपको टेक्स्ट वाले पर जाना है एंड आप यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर ले। सो गाइस मैंने ये ऐड कर लिया। कर लेने के बाद आपको यहाँ से थोड़ा सा अपने हिसाब से बड़ा कर लेना और छोटा कर लेना है। सो गाइस बनाने का ये लिख लेने के बाद अब आपको लिखना है बनाने का ये गलत तरीका। लिखने के लिए आपको एक न्यू टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। न्यू टेक्स्ट पे आप यहाँ पे देख सकते हो न्यू टेक्स्ट आ चुका है एंड आपको एडिट वाला बटन पे क्लिक कर देना है एंड आपको इसको रिमूव कर देना है एंड आप बनाने का ये गलत तरीका। तो गाइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गलत। सो गाइस मैंने यहाँ पे लिख दिया गलत तरीका एंड आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, अपने हिसाब से बड़ा कर लेना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ा हो चुका है एंड यहाँ से मैं बड़ा कर लेता हूँ। एंड कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेना है, स्वाइप अप कर लेना है। यहाँ से मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, ये फ़ोन के नीचे मैंने कर लिया। एंड कर लेने के बाद गाइस करना है कि आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे जाना है एंड आपको यहाँ पे मैं चला जाता हूँ एंड आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। कलर वाला बटन पे क्लिक करके आप यहाँ से कोई एक कलर सिलेक्ट कर सकते हो।
सो आज मैं यहाँ पे ये वाला कलर सिलेक्ट कर देता हूँ, ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्लैक पे क्लिक किया एंड यहाँ पे आपको राइट वाला बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक कलर सिलेक्ट हो चुका है। हो जाने के बाद गाइस करना क्या है, आपको यहाँ पे साइड में आना है एंड आपको स्टॉक पर जाना है एंड आपको व्हाइट वाला स्टॉक में क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको मैं एक पे करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कर देना है। कर देने के बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है एंड आपको शैडो पे क्लिक करना है एंड आपको इसको इनेबल कर देना है। मैं इसको इनेबल कर लेना हूँ एंड आपको यहाँ पे क्लिक करना है आपको इनर साइड पे एंड आपको इसको भी इनेबल कर सकते हो। करने के बाद गाइस अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो आपको करना क्या है, आपको इसको लॉक कर देना है। तो गाइस मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। सो गाइस मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया। लॉक कर देने के बाद अब आपको इसको दिख नहीं रहा साफ सुथरा, तो मैं यहाँ पे करूँगा इसके ऊपर क्लिक एंड आपको सेफ्स पे क्लिक करना है एंड आपको राइट पे बटन पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ ऐसा हो जा रहा है। अब बोलोगे भाई तू पागल हो गया क्या, ये तो और कुछ नहीं दिख रहा, पहले तो उतना भी दिख जा रहा था। अब आपको करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर देना है। अब यहाँ पे पूरा नीचे कर देना है एंड आप यहाँ पे देख सकते हो अब यहाँ पे पूरा साफ सुथरा दिख रहा है। बट गाइस अभी भी थोड़ा दिख रहा है, आप देख सकते हो। तो गाइस अभी इसको हम सही कर देंगे। इस साइड आना है, आने के बाद आपको स्टॉक पे क्लिक करना है एंड आपको इसको इनेबल कर देना है और ब्लैक में कर देना है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया एंड राइट पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने में गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पे जो गलत तरीका है आपको इसको लॉक कर देना है एंड गलत तरीका को अनलॉक कर देना है। कर देने के बाद अब आपको जो यहाँ जो आपका शैडो है काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, आप देख सकते हो। तो गाइस इसको आपको ज़्यादा कम कर देना है, थोड़ा कम कर देना है। तो गाइस मैं यहाँ पे चला जाता हूँ एंड आपको यहाँ पे जाना है एंड इसको थोड़ा सा कम कर देना है। यहाँ पे मैं इतना पे रहने देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा है। एंड गाइस जाने के बाद अब आपको करना क्या है, क्या यहाँ पे आपको जाना है एंड गलत तरीका पर जो इसका रोटेट है ना, आप इसको थोड़ा सा अच्छा कर देना एंड यहाँ पे पैडिंग यहाँ पे मिल जाता है एंड आपको यहाँ पे बी स्टाइल का ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा कर देना, टेढ़ा कर देना, थोड़ा अच्छा लगेगा एंड आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने होगा आपको यहाँ पे इनर साइडों पे क्लिक नहीं करना है एंड आपको स्टॉक वाले बटन पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ से थोड़ा सा दो नंबर पे कर देना है, तो थोड़ा सही रहेगा। एंड गाइस कर लेने के बाद अब आपको करना है यहाँ पे इसको लॉक कर देना है। तो गाइस मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे गलत तरीका को लॉक करता हूँ एंड यहाँ पे जो आपका रेक्टेंगल है आपको इसका अनलॉक करना है एंड आपको यहाँ पे इसका कलर रख देना है। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज यहाँ पे फोन का जो कलर है वो भी वाइट है। तो गाइस मैं यहाँ पे इसको येलो कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे किया एंड मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड यहाँ पे कोई एक अच्छा कलर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे आपको कलर ग्रेडिंग काफ़ी अच्छे से आनी चाहिए एंड यहाँ पे आपको मैंने येलो कलर सिलेक्ट कर लिया है। कर लेने के बाद गाइज आपको यहाँ पे राइट वाला बटन पे क्लिक कर देना है एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड गाइज अभी भी यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, सो गाइज आपको इसको अच्छे से कर लेना है अपने हिसाब से। आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे की साइड में कुछ खाली जगह दिख रही है, सो यहाँ पे कुछ आपको लिखना पड़ेगा। तो गाइज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HD थंबनेल, क्योंकि यहाँ पे मैं HD थंबनेल बनाना सिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ अच्छा चीज लिख सकता हूँ। एंड यहाँ पे आपको बिना ऐप के सहारे से बता रहे हो, तो यहाँ पे विदाउट एनी ऐप भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HD थंबनेल बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा खाली जगह दिख रही है। तो गाइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड यहाँ पे मैंने न्यू टेक्स्ट पे क्लिक किया एंड यहाँ पे एडिट वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HD थंबनेल। सो गाइस मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लिया एंड यहाँ पे लिख दिया HD। सो गाइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HD थंबनेल एंड लिख देने के बाद यहाँ पे आपको ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है एंड आपको यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। सो गाइस मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ एंड गाइस कर लेने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा। एंड हो जाने के बाद अब आपको इसको कोई एक कलर सिलेक्ट कर लेना है, मैं यहाँ से कोई एक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस मैंने ये वाला कलर सिलेक्ट कर लिया। कर लेने के बाद आपको राइट वाला बटन पर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे भी शैडो का यूज कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको कम शैडो का यूज कर लेता हूँ। कर लेने के बाद गाइस यहाँ पे ब्लर रेडियस को भी बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद एंड आपको यहाँ पे स्टॉक कलर पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा एंड आपको इसको भी लॉक कर लेना है। अब गाइज आपको लॉक कर देने के बाद आपको यहाँ पे साइड में खाली जगह दिख रही होगी, यहाँ पे भी आप कुछ ऐड कर सकते हो अगर आपको करना चाहे तो। गाइज मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर लेता हूँ एंड करने के लिए आपको इंपोर्ट वाला बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद गाइज कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। हो जाने के बाद गाइज आपको यहाँ से कोई एक इमेज सिलेक्ट कर लेना है। सो गाइज मैं यहाँ पे कोई एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड आपको यहाँ पे गूगल पे आसानी से मिल जाएंगे। एंड कर लेने के बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज सिलेक्ट हो चुका है। एंड कर लेने के बाद यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड में दिख रहा है,
सो गाइस मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे इरेज पे गया एंड यहाँ से मैं इसको इरेज कर ले रहा हूँ। एंड कर लेने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा एंड आपको राइट एरो बटन पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेना है। कर लेने के बाद यहाँ पे अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड कर लेने के बाद मैं यहाँ पे जिधर भी आपको लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हो। सो गाइस मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ एंड यहाँ पे लिया। एंड लगा लेने के बाद आपको स्टॉक पर जाना है एंड इसको इनेबल कर लेना है। सो गाइस मैं यहाँ पे इसको इनेबल कर लिया। कर लेने के बाद आपको राइट वाला बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद गाइस आपको यहाँ पे रोटेट का बटन भी मिल जाता है, आप इसको भी इनेबल कर सकते हो। एंड शैडो पर क्लिक करना है एंड आपको इसको इनेबल कर देना है। सो गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा कम कर देता हूँ एंड कम कर देने के बाद आपको राइट पर क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पे ये इनेबल हो चुका है एंड अब आपको इसको लॉक कर देना है जिससे ये हिले ना। तो गाइस मैं यहाँ पे को लॉक कर देता हूँ। लॉक कर देने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरी तरह से हो चुका है एंड अब आपको यहाँ पे भी कुछ ऐड कर सकते। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। कर लेने के बाद आपको राइट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ से थोड़ा सा छोटा या बड़ा कर सकते हो। यहाँ से मैं अपने साइज से अपने थंबनेल के साइज से यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। एंड कर लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसा हो जाएगा सिलेक्ट। एंड कर लेने के बाद यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हो एंड आपको इसको लॉक कर देना है। एंड लॉक करने से पहले यहाँ पे स्ट्रोक भी ऐड कर लेना जिसे काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं इसको ऐड कर ले रहा हूँ। एंड कर लेने के बाद यहाँ पे मैं येल्लो कर लेता हूँ सिलेक्ट एंड यहाँ पे स्ट्रोक येल्लो एंड इसको मैं लॉक कर देता हूँ। कर देने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये लॉक हो चुका है। सो लॉक नहीं हुआ है। एंड स्ट्रोक ऐड कर लेने के बाद आपको यहाँ पे शैडो पे क्लिक कर देना है एंड आपको इसको इनेबल कर लेना है। कर लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसा थोड़ा इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। एंड कर लेने के बाद आपको राइट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। एंड क्लिक कर देने के बाद आपको इनर शैडो के बटन पे भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो एंड आपको राइट पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा हो चुका है। हो जाने के बाद आपको इसको भी लॉक कर देना है। सो गाइस मैं इसको भी लॉक कर दिया। एंड कर लेने के बाद अब आपको गाइस यहाँ पे इस साइड में कुछ खाली जगह दिख रही है, सो यहाँ पे भी आप कुछ ऐड कर लो तो काफ़ी बेहतर रहेगी। तो मैं इसके लिए भी कुछ इम्पोर्ट पर क्लिक करूँगा एंड इम्पोर्ट पर क्लिक कर लेने के बाद आपको गैलरी पर जाना है एंड आपको यहाँ से जो इमेज सिलेक्ट करना चाहोगे वहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से ये इमेज डाउनलोड करके रखा हूँ एंड मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। कर लेने के बाद आपको राइट पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको स्मॉल कर लेना है एंड छोटा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। कर लेने के बाद यहाँ से इस साइड में यूज कर लिया। यहाँ से मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे काफ़ी छोटा हो चुका है सो यहाँ पे हिल ही नहीं रहा है। तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ एंड यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ एंड आपको राइट वाला बटन पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया। एंड यहाँ पे आपको करना क्या, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड आपको ओपेसिटी पर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हो जिससे काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड आपको स्टॉक पे क्लिक करके आपको इसको इनेबल कर लेना, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा थंबनेल बन चुका है। एंड गाइस यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एंड आपको यहाँ पे शैडो वाला बटन बचाना है एंड इसको थोड़ा सा शैडो दे देना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर थंबनेल रेडी। फाइनली गाइस हमारा थंबनेल पूरी तरह से रेडी हो चुका है एंड इसको सेव करने के लिए आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर सेव टू गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ लोडिंग होगा एंड यहाँ पे इमेज सेव पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे इमेज सेव हो चुका है हमारी गैलरी में। एंड यहाँ पे देखने के लिए आपको गैलरी पे क्लिक करना है एंड आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी इमेज पूरी तरह से रेडी हो चुकी है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो फुल एचडी क्वालिटी में थंबनेल रेडी हो चुका है। तो गाइस आई होप आपको काफी अच्छा लगा हो एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल पर हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब।